इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 20 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों देशों के बीच हो रही यह सीरीज अभी 2-2 की बराबरी पर है। ऐसे में जो टीम आखिरी मैच में जीत दर्ज करेगी वो सीरीज भी जीत जाएगी। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश होगी कि वो सीरीज के आखिरी मुकाबले में एक मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरे। बता दें कि सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने वापसी करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की। हालांकि तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने वापसी की थी और टीम इंडिया को 8 विकेट से हराया था। वही टीम इंडिया ने सीरीज के चौथे मुकाबले में 8 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। यह हो सकती है टीम इंडिया के लिए एक बार फिर केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी पारी की शुरुआत करते देख सकती है। चौथे मुकाबले में ईशान किशन की चोटिल होने के कारण सूर्यकुमार यादव प्लेइंग 11 का हिस्सा बने थे। सूर्यकुमार यादव ने चौथे मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला था। ऐसे में संभव हो कि ईशान किशन के सही होने के बाद भी सूर्यकुमार यादव को टीम से बाहर ना किया जाए। सूर्यकुमार यादव के बाद विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर की जगह भी पक्की है। इसके बाद हार्दिक पांड्या, जिन्होंने बीते मुकाबले में 2 विकेट झटके थे, उनकी भी जगह पक्की है। बात अगर स्पिन गेंदबाजों की करें तो राहुल चाहर और वॉशिंगटन सुंदर की जगह भी पक्की है। वहीं भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर की जगह भी पक्की है। टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है: रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चाहर, भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।